लोग पढ़ेंगे इंटरमीडिएट 12th क्लास का फिजिक्स, जिसमें पहला चैप्टर है वैद्युत आवेश तथा वैद्युत क्षेत्र। क्योंकि ये चैप्टर बड़ा है, इसलिए इसको हम लोग इसके वीडियो को कई छोटे छोटे पार्ट में बना करके आप लोग को सेंड किया जाएगा। तो आज शुरुआत करते हैं चैप्टर वैद्युत आवेश तथा वैद्युत क्षेत्र। वैद्युत आवेश क्या होता है? आवेश क्या होता है चार? ये किसी भी पदार्थ का वह गुण होता है जिसके कारण पदार्थ अपना वैद्युत अथवा चुंबकीय प्रभाव को दिखाता है अथवा उसका अनुभव करता है। यानी हम कह सकते हैं कि वैद्युत आवेश किसी पदार्थ का वह गुण है जिसके कारण वैद्युत अथवा चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न होता है अथवा उसका कोई पदार्थ आवेशित कोई कण उसका अनुभव करता है। तो आवेश कैसे उत्पन्न होते हैं हम लोग को ये जानना होगा। लेकिन आवेश जानने से पहले हम लोग पहले जान लें कि कोई भी पदार्थ परमाणुओं से मिलकर के बना होता है। परमाणु में प्रत्येक परमाणु में एक नाभिक होता है, आप जानते हो उसके अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, और इलेक्ट्रॉन उसकी बाहरी कक्षाओं में चक्रण और परिक्रमण दोनों करते हैं। और जो इलेक्ट्रॉन सबसे बाहरी कक्षा में होता है उस पर नाभिक का आकर्षण बल सबसे कम होने के कारण वो नाभिक के आकर्षण बल के बंधन से मुक्त हो जाता है। ऐसे इलेक्ट्रॉनों को मुक्त इलेक्ट्रॉन कहते हैं। और इलेक्ट्रॉन मुक्त होकर के जो चालक के परमाणु है, जैसे मान लीजिए परमाणु है, इनके बीच जो रिक्त स्थान है इसमें इधर उधर अनियमित गति करते रहते हैं। किसी भी इलेक्ट्रॉन में कितना चार्ज होता है? 1.6 × 10⁻¹⁹ कूलम। और किसी इलेक्ट्रॉन का विराम द्रव्यमान होता कितना है? 9.1 × 10⁻³¹ kg। तो इलेक्ट्रॉन का, और ये आवेश ऋणात्मक होता है, इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है निगेटिव चार्ज, ऋणात्मक होता है। ये तो, लेकिन आवेश दो प्रकार के होते हैं, धन आवेश ऋण आवेश। यदि किसी पदार्थ में इलेक्ट्रॉन की अधिकता है तो उसके ऊपर ऋण आवेश, और इलेक्ट्रॉन की कमी है तो उसके ऊपर कैसा आवेश उत्पन्न होगा? धन आवेश। यानी धन आवेश इलेक्ट्रॉन की कमी को इंगित करता है, जबकि ऋण आवेश इलेक्ट्रॉन की अधिकता को इंगित करता है। तो आवेश उत्पन्न करने के तीन विधियां, आवेशन बाय मतलब घर्षण के द्वारा आवेशन, चालन के द्वारा और प्रेरण के द्वारा। यानी चार्जिंग ड्यू टू फ्रिक्शन और रबिंग, चार्जिंग ड्यू टू कंडक्शन एंड चार्जिंग ड्यू टू इंडक्शन, प्रेरण के द्वारा आवेशन। अब रबिंग या घर्षण में, फ्रिक्शन में चार्जिंग कैसे उत्पन्न किया जाता है? जब एक पदार्थ को दूसरे पदार्थ से रगड़ा जाता है तो जो इलेक्ट्रॉन होते हैं एक पदार्थ से दूसरे पदार्थ में चले जाते हैं। जैसे ये ए है और ये बी है। अगर ए से इलेक्ट्रॉन, कुछ इलेक्ट्रॉन निकल करके बी में चले जाते तो पहले तो दोनों ही अनावेशित थे, दोनों ही उदासीन है। अगर इससे कुछ इलेक्ट्रॉन इसमें चले गए तो जिससे इलेक्ट्रॉन निकलेंगे उस पर कैसा आवेश आएगा? धन आवेश। और जिसमें इलेक्ट्रॉन प्रवेश करेगा उस पर कैसा आवेश उत्पन्न होगा? ऋण आवेश। यानी आवेश एक पदार्थ से दूसरे पदार्थ में जाने के कारण, इलेक्ट्रॉन के एक पदार्थ से दूसरे पदार्थ में जाने के कारण किसी पदार्थ पर धन आवेश अथवा ऋण आवेश उत्पन्न होता है। अब किसी पदार्थ को जैसे ए से बी को रगड़ेंगे तो एक क्वेश्चन बच्चों के मन में उत्पन्न होता है कि किस पे धन आवेश आएगा, इलेक्ट्रॉन किधर से किधर जाएगा, ए से बी पर कब जाएगा और बी से ए की ओर कब जाएगा? या क्या जैसे कांच है, कांच को हम किसी पदार्थ से रगड़ेंगे तो उससे कैसा उत्पन्न होगा आवेश, कैसा उत्पन्न होगा, धन आवेश या ऋण आवेश? तो धन आवेश भी उत्पन्न हो सकता है, ऋण आवेश भी उत्पन्न हो सकता है। यह इस बात पर निर्भर करता है कि आप कांच को किस पदार्थ से रगड़ेंगे। अगर कांच को आप बिल्ली के खाल से रगड़ेंगे तो कांच के ऊपर ऋण आवेश उत्पन्न होगा, लेकिन उसी कांच को अगर रेशम से रगड़ेंगे तो उसके ऊपर धन आवेश उत्पन्न होगा। तो हम एक लिस्ट देते हैं 10-12 पदार्थों का, जिसमें आपको क्लियर होगा कि किस पदार्थ को किससे रगड़ेंगे तो उस पर धन आवेश उत्पन्न होगा और किससे रगड़ेंगे तो उस पर ऋण आवेश उत्पन्न होगा। तो हम 12 का नाम लिख रहे हैं। पहला बिल्ली की खाल, दूसरा पलालेन, तीसरा कांच, चौथा रुई, रेशम, लकड़ी, धातु,
रबर, रेजिन, अंबर, गंधक, एबोनाइट या अबनूस भी बोलते हैं इसको। ये 12 हमने लिख दिया। अब जैसे किसी भी पदार्थ को अगर नीचे से रगड़ेंगे, इसके नीचे वाले किसी भी पदार्थ से, तो उसके ऊपर धन आवेश आएगा, और ऊपर से रगड़ेंगे तो ऋण आवेश। जैसे हमने पहले बताया, अगर कांच को, कांच की छड़ को अगर आप रेशम से रगड़ते हैं, तो कैसा कांच, कांच के ऊपर कैसा आवेश उत्पन्न होगा? कांच धनावेशित हो जाएगा। और कांच जब धनावेशित होगा तो स्वाभाविक है कि रेशम ऋण आवेशित होगा। लेकिन उसी कांच को जब आप बिल्ली के खाल या फलालयन से रगड़ेंगे, क्योंकि ये इसके ऊपर है, कांच के ऊपर इस लिस्ट में, तो अब क्या हो जाएगा, कांच कैसा हो जाएगा? ऋण आवेशित हो जाएगा। हम लोग ये टॉपिक पढ़ने वाले हैं, इसको कांच क्या हो जाएगा, ऋण आवेशित हो जाएगा। यानी देखिए, वही कांच पहले क्या हुआ, धनावेशित हुआ तब जब उसको रेशम से रगड़े, और जब पलालन या बिल्ली के खाल, चूंकि उसके ऊपर लिस्ट में इसके ऊपर आ रहे हैं, तो वो ऋण आवेशित हो जाएगा। तो इस तरह से किसी भी पदार्थ को हम लोग आवेशित कर सकते हैं फ्रिक्शन के कारण, रगड़ के कारण। ये आवेशन उत्पन्न करने का एक बहुत ही मुख्य तरीका है कि इसको शुरुआत में तो घर्षण के द्वारा ही फिजिक्स, ये आवेशन को, प्रक्रिया को अपनाया गया था। लेकिन उसके बाद दूसरा तरीका क्या है, आवेशन ड्यू टू कंडक्शन, चालन के द्वारा आवेशन। चालन के द्वारा आवेशन कैसे, जैसे एक अनावेशित पदार्थ है और एक आवेशित है। ए आवेशित है, इसके ऊपर चार्ज क्यू है, जबकि बी के ऊपर कोई चार्ज ही नहीं है, अनावेशित है। तो जैसे इस ए को बी के संपर्क में लाएंगे, टच में करेंगे, तो टच में जब आएगा तो इससे आवेश ए से बी की ओर जाएंगे। तब तक जाते हैं जब तक कि दोनों के विभव समान न हो जाए। यानी एक आवेशित गोले को एक अनावेशित गोले से संपर्क में लाते हैं, तो अगर दोनों समान आकार के, आइडेंटिकल है, तब तक आवेश ए से बी की ओर जाएगा। आप समझ लीजिए कि जब तक दोनों के आवेश समान न हो जाए। जैसे अगर दोनों आइडेंटिकल है, दोनों सर्वसम है, तो इस पर आवेश क्यू है, इस पर आवेश जीरो। तो अगर हम दोनों को टच में करेंगे, संपर्क में लाएंगे, तो दोनों का आवेश कितना हो जाएगा, क्यू प्लस जीरो बाई टू, यानी कि क्यू बाई टू। अब ए पर भी आवेश क्यू बाई टू हो जाएगा, बी पर भी आवेश क्यू बाई टू होगा। लेकिन अगर दोनों ही गोले आवेशित हों, एक पर आवेश क्यू वन है और एक पर आवेश क्यू टू है, और ये इसको सी ओ डी मान रहे हैं, यहां दोनों आवेशित है, अगर यहां दोनों को एक दूसरे के संपर्क में लाएंगे तो क्या होगा, क्या आवेश एक गोले से दूसरे की ओर, गोले पर जाएगा? बिल्कुल, तब भी जाएगा। अगर दोनों समान आकार के हैं और दोनों पे आवेश की मात्रा सेम नहीं है, तो भी आवेश पुनर्वितरित होता है, एक गोले से दूसरे गोले पर जाता है, और तब तक जाता है जब तक भी दोनों पर आवेश की मात्रा समान नहीं हो जाए। यानी दोनों पर आवेश की मात्रा कितनी हो जाएगी, क्यू वन प्लस क्यू टू बाई टू। लेकिन ये तो हम लोग को यहाँ देखना क्या है, किसी अनावेशित गोले को कैसे आवेशित करते हैं। तो अनावेशित गोले को अगर आवेशित करना हो, तो किसी आवेशित गोले के संपर्क में रख दीजिए, चालन द्वारा वो आवेशित हो जाएगा। तीसरा एक तरीका है प्रेरण के द्वारा। प्रेरण में क्या होता है, इंडक्शन में क्या होता है, जिस पदार्थ को आवेशित करना होता है, जिस अनावेशित पदार्थ को, उसको किसी आवेशित पदार्थ के डायरेक्ट संपर्क में न रख करके उससे कुछ दूर पे ही रखते हैं। जैसे ए है, ये बी है, ए आवेशित है, बी अनावेशित है। अब होगा क्या, बी अनावेशित है, तो इस पर, इसका मतलब यह नहीं कि इसके पास आवेश नहीं है, इस पर धनावेश भी है, ऋणावेश भी है, दोनों बराबर मात्रा में। अब अगर ए धनावेशित है, तो बी का ऋणावेश ए के निकट हो जाएगा और धनावेश दूर हो जाएगा। तो इस प्रक्रिया से अब ये इसके आवेश पुनर्वितरित हो गए, इसके प्रभाव में आकर के, इस आवेशित गोले के प्रभाव में। इस आवेशन की, इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, आवेशन प्रेरण के द्वारा। ये तीन तरीके से, एक घर्षण, दूसरा चालन, तीसरा प्रेरण, तीन तरीके से हम लोग किसी पदार्थ को आवेशित कर सकते हैं। तो ये तो हुआ आवेशन की विधियां। अच्छा, हम लोग पढ़ क्या रहे हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, स्थिर विद्युत की। ये इलेक्ट्रोस्टैटिक होता क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसमें किसी पदार्थ पर स्थिर आवेशों का अध्ययन किया जाए, उस शाखा को क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक।
और आवेशन की विधि आपने जान लिया। आवेशों के गुण, आवेशों के गुण क्या क्या है, तो चार पांच प्रॉपर्टी है जिसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। पहला, समान आवेशों के बीच प्रतिकर्षण का बल और विपरीत आवेशों के बीच आकर्षण का बल। या समान आवेश जो होते हैं हमेशा एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे और विपरीत आवेश एक दूसरे को आकर्षित करेंगे। दूसरी विधि है संरक्षण, कंजर्वेशन। प्रॉपर्टी ऑफ कंजर्वेशन संरक्षण का बल। संरक्षण जैसा कि नाम से ही अर्थ स्पष्ट है, आवेश हमेशा संरक्षित होता है, अर्थात न तो आवेश को उत्पन्न किया जा सकता है ना ही नष्ट किया जा सकता है। आवेश एक पदार्थ से दूसरे पदार्थ पर स्थानांतरित होते हैं, लेकिन कुछ मामलों में बच्चों को कंफ्यूजन होता है जब वो न्यूक्लियर फिजिक्स में नाभिक के बारे में पढ़ते हैं, युग्म उत्पादन और युग्म विनाश। तो युग्म उत्पादन में क्या होता है, दो आवेशित कण उत्पन्न होते हैं, एक इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन, और युग्म विनाश में क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन एक दूसरे का विनाश करके ऊर्जा उर्जित फोटॉन उत्पन्न करते हैं। तो ऐसा लगता है कि यहाँ तो आवेश उत्पन्न भी हो रहे हैं और आवेश का नाश भी हो रहा है, तो ये तो संरक्षण के आवेश के संरक्षण के विपरीत गया, अगेंस्ट गया, उसका कंट्राडिक्शन है। लेकिन ऐसा नहीं है, वहां कुछ ऐसा नहीं है। युग्म उत्पादन में क्या होता है, कोई उर्जित गामा फोटॉन जब किसी नाभिक से टकराता है कुछ विशेष प्रकार, तो उस नाभिक में प्रवेश करके ऊर्जित गामा फोटॉन कहा गया, क्योंकि इसकी एनर्जी कितनी होनी चाहिए उसके लिए 1.02 MeV। तो उस प्रक्रिया में एक इलेक्ट्रॉन और एक पॉजिट्रॉन की उत्पत्ति होती है, एक इलेक्ट्रॉन एक पॉजिट्रॉन, यह प्रक्रिया क्या कहलाती है, युग्म उत्पादन। लेकिन आप ध्यान देंगे तो इस प्रक्रिया में कोई आवेश उत्पन्न नहीं हुआ। आप देखिए पहले क्या है, पहले इसमें कितना आवेश है युग्म उत्पादन से पहले, शून्य। युग उत्पादन के बाद भी टोटल आवेश जोड़ देंगे, शून्य, कोई आवेश की उत्पत्ति नहीं हुई। ठीक इसी प्रकार युग्म विनाश में क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन और एक पॉजिट्रॉन जब एक दूसरे के संपर्क में आते हैं, समीप आते हैं, तो क्या करते हैं, दोनों एक दूसरे का नाश कर देते हैं, नष्ट कर देते हैं, और इस प्रक्रिया में क्या होते हैं, दो गामा फोटॉन उत्पन्न होते हैं जिनकी एनर्जी 0.51 MeV के आसपास होगी। युग उत्पादन के लिए तो 1.02 MeV से अधिक इसकी ऊर्जा होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पे अच्छा जब ये उत्पन्न होता है तो यहाँ पे भी देखिए युग्म उत्पाद, युग्म, ये युग्म विनाश है, युग्म विनाश से पहले भी आवेश टोटल कितनी है, जीरो, युग्म विनाश के बाद भी जीरो। तो यहाँ ना तो कोई आवेश उत्पन्न हुआ ना ही कोई आवेश नष्ट हुआ। तो इस प्रकार से आवेश संरक्षित होते हैं, आवेश न तो नष्ट होते हैं न तो उत्पन्न होते हैं। ये तीसरी प्रॉपर्टी, तीसरी प्रॉपर्टी है योज्यता की, प्रॉपर्टी ऑफ एडिटिविटी। यानी यदि किसी कण पर कई आवेश हों, Q1, Q2, Q3, Q4, Q1 आप कह सकते हो, तो नेट आवेश उसमें क्या होगा, प्रत्येक आवेश के बीजगणितीय योग के बराबर होगा। यानी चिन्ह सहित अगर कोई ऋण होगा तो ऋणात्मक होगा, तो उसको ऋण चिन्ह सहित लिखेंगे, उसका ऋण चिन्ह लिख देंगे, धनात्मक होगा तो अलजेब्रिक सम चिन्ह सहित उसको आवेश को लिख करके जोड़ देंगे। नेट आवेश क्या होता है, प्रत्येक अलग अलग कणों के इंडिविजुअल जो भी कण होंगे अलग अलग कणों के आवेशों के योग के बराबर होता है। जो चौथी प्रॉपर्टी है वो यह बताता है कि आवेश वेग पर निर्भर नहीं करता। कोई भी पदार्थ कितना भी तेज गति करे अथवा स्थिर हो, उसका आवेश का मान अपरिवर्तित रहता है। जबकि द्रव्यमान में क्या होता है, कोई कण जितना तेज चलता है उसका द्रव्यमान उतना ही अधिक होता है, क्योंकि अगर किसी कण का विराम द्रव्यमान m0 हो और अगर भी वेग से गतिशील हो तो उसका द्रव्यमान ये होता है, इस समीकरण द्वारा दिया जाता है, जहाँ c प्रकाश की चाल है। आप प्रकाश की चाल जानते हैं, 3/10^8 मीटर प्रति सेकंड, v स्पिन की चाल है। तो यहाँ इस समीकरण से स्पष्ट है कि कोई पिंड अगर गतिमान होगा, जितनी ज्यादा अधिक वेग से गतिमान होगा, अगर उसका वेग प्रकाश की चाल के निकट जाएगा तो उसका वेग द्रव्यमान में बहुत अधिक वृद्धि होगी, परिवर्तन होगी। जबकि आवेश में ऐसा कुछ भी नहीं है, यानी आवेश वेग पर निर्भर नहीं करता। और जो पांचवी प्रॉपर्टी है वो क्या है, क्वांटाइजेशन, प्रॉपर्टी ऑफ क्वांटाइजेशन। यानी किसी कण पे जो आवेश होता है उसका क्वांटिकृत होता है, क्वांटिकृत मतलब इसकी न्यूनतम मात्रा होती है। जैसे किसी कण का द्रव्यमान होता है सतत वितरण होता है, द्रव्यमान की कोई निश्चित न्यूनतम मात्रा नहीं होती, जबकि किसी आवेशित कण पे एक न्यूनतम मात्रा होती है, उससे कम नहीं हो सकता,
और स्वतंत्र अवस्था में क्वांटाइजेशन प्रॉपर्टी में आप कह सकते हो कि स्वतंत्र अवस्था में किसी पदार्थ के न्यूनतम आवेश की मात्रा कितनी होती है, ई होती है, और किसी भी आवेशित पदार्थ पर जो आवेश होता है वो ई का पूर्ण गुणज होता है, भिन्नात्मक नहीं, पूर्ण गुणज होता है। जैसे किसी पदार्थ में एन इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होगी तो उसमें कितना आवेश आएगा, माइनस एन, और एन इलेक्ट्रॉनों की कमी होगी तो कितना आवेश आएगा, एन ई। इस तरह से हालांकि इसमें न्यूमेरिकल भी आते हैं लेकिन ये क्वांटाइजेशन की प्रॉपर्टी है कि जब भी आवेश होगा, जैसे किसी चार पदार्थ पे आवेश 2.5 ME नहीं, 2.5 E नहीं हो सकता क्योंकि पूर्ण गुणज नहीं है E का, तो क्वांटाइजेशन में क्या होता है, किसी पदार्थ पे जो न्यूनतम आवेश स्वतंत्र अवस्था में होता है वो E होता है, और किसी पदार्थ पे जो आवेश होता है कुल आवेश वो E का पूर्ण गुणज होता है। लेकिन क्वार्क सिद्धांत के बाद जब क्वार्क कणों की खोज हुई, छह प्रकार के क्वार्क कण होते हैं लेकिन मुख्य रूप से दो होते हैं, अप टाइप क्वार्क, डाउन टाइप क्वार्क, यू और डी से रिप्रेजेंट करते हैं। अप टाइप क्वार्क पे कितना आवेश होता है, प्लस टू ई बाई थ्री, और डाउन टाइप क्वार्क पे माइनस ई बाई थ्री। तो 1990 में इसका जब खोज हुआ तो इसके बाद बच्चों के मन में या फिर ये मन में कंफ्यूजन होता है कि क्या क्वांटाइजेशन की प्रॉपर्टी रही या वो चेंज हो गया। तो क्वांटाइजेशन की प्रॉपर्टी में कोई परिवर्तन नहीं है क्योंकि अभी भी स्वतंत्र अवस्था में न्यूनतम आवेश ही प्राप्त होते हैं, तो क्वांटाइजेशन की प्रॉपर्टी में कोई चेंज नहीं है। लेकिन अगर मान लीजिए कि अगर इस स्वतंत्र अवस्था में मिलता भी है तो भी क्वांटाइजेशन की प्रॉपर्टी रहेगी, और तब बस इतना कहा जाएगा कि किसी पदार्थ में न्यूनतम आवेश की मात्रा कितनी होती है, ई बाई थ्री, ई के बजाय ई बाई थ्री हो जाएगा अगर स्वतंत्र अवस्था में मिलता है तो। लेकिन जब तक स्वतंत्र अवस्था में नहीं मिलता तो न्यूनतम आवेश की मात्रा हम लोग ई मान के चलेंगे, और अगर होता भी तो क्वांटाइजेशन तब भी रहेगा लेकिन ई के बजाय ई बाई थ्री मिनिमम हो जाएगा। अब जैसे प्रोटॉन है, प्रोटॉन का निर्माण दो अप क्वार्क और एक डाउन क्वार्क से होकर मिलकर के बना होता है, दो अप क्वार्क यानी यू यू डी आप जोड़ दीजिए, टू ई बाई थ्री, टू ई बाई थ्री और माइनस ई बाई थ्री, तो टोटल कितना आ जाएगा, प्लस डी। और न्यूट्रॉन यू डी डी, एक अप क्वार्क दो डाउन क्वार्क, अप क्वार्क टू ई बाई थ्री, ये माइनस ई बाई थ्री, माइनस ई बाई थ्री भी माइनस, तो टोटल कितना आ जाएगा, इस पर कोई आवेश नहीं रहेगा, ये न्यूट्रल पार्टिकल है तो इस पर ये उदासीन हो जाता है, इसीलिए न्यूट्रॉन उदासीन है प्रोटॉन। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन डी जिसको हम लोग मानते थे कि मूल कण है, लेकिन ये मूल कण ना होकर के अप टाइप क्वार्क और डाउन टाइप क्वार्क से मिल करके बने होते हैं, ये 1990 में खोज होने के बाद ये बातें आई, तो ये उदासीन कण है, ठीक है। तो ये पांच प्रॉपर्टी, क्या आवेशों के पांच गुण जिसको आप कह सकते, पहला क्या था, समान आवेशों के बीच प्रतिकर्षण, विपरीत आवेशों के बीच आकर्षण, दूसरा संरक्षण प्रॉपर्टी ऑफ कंजर्वेशन, तीसरा जो बताया गया कि एडिटिविटी योजिता का गुण, और चौथा वेग पे कोई निर्भरता नहीं होती आवेश पे, और पांचवा क्वांटाइजेशन प्रॉपर्टी ऑफ क्वांटाइजेशन। तो ये पांच प्रॉपर्टी हो गए आवेशों के गुण। अब आवेश के कारण आप जानते हैं वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है, और द्रव्यमान के कारण गुरुत्वीय क्षेत्र, किसी भी कण का जब अगर द्रव्यमान है भी तो उसके चारों तरफ गुरुत्वीय क्षेत्र ग्रेविटेशनल फील्ड प्रोड्यूस हो जाता है, जबकि आवेश के चारों तरफ वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है। और किसी भी पदार्थ पर जैसे ही आवेश आता है तो कहते पदार्थ वैद्युतमय हो गया, यानी उसमें आकर्षण तथा वैद्युत बल, एक दो पदार्थ अगर आवेशित हो गए तो उसमें वैद्युत बल एक दूसरे पर आरोपित कर सकते हैं, ऐसा एक गुण उसके अंदर आ गया। लेकिन आवेश और द्रव्यमान में अंतर क्या है, क्या कोई अंतर है कि बिल्कुल सब कुछ सेम है? आवेश और द्रव्यमान दोनों ही अदिश राशि है, दोनों ही स्केलर क्वांटिटी, लेकिन आवेश व्युत्पन्न राशि है जबकि द्रव्यमान मूल राशि है, द्रव्यमान फंडामेंटल क्वांटिटी है जबकि डिराइव्ड क्वांटिटी है आवेश, Q is equal to I into T। किसी भी कण का अगर आवेश रहे तो उसके पास द्रव्यमान जरूर होगा, लेकिन किसी कण के पास द्रव्यमान है तो आवेश होना जरूरी नहीं है। अब आवेश धनात्मक भी हो सकते हैं, ऋणात्मक भी हो सकते हैं, जबकि द्रव्यमान ऋणात्मक नहीं होता। आवेश क्वांटीकृत होता है, यानी हमको मालूम है कि सबसे कम मात्रा में आवेश कितना हो सकता है, जबकि द्रव्यमान की अभी तक न्यूनतम मात्रा का पता नहीं चला, यानी द्रव्यमान का वितरण हम लोग सतत मान के चलते हैं।
द्रव्यमान का डिस्ट्रीब्यूशन कंटिन्यूअस होता है, जबकि आवेश होता है क्वांटाइज्ड होता है। हालांकि इसका बहुत ना उपयोग नहीं है, क्योंकि जब भी किसी पदार्थ पर आवेश, कोई भी आवेशित पदार्थ पर आवेश की मात्रा जो होती है बहुत ढेर सारे उसमें इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो उसके वितरण को हम लोग आवेश के वितरण को भी सतत लेकर के ही चलते हैं, लेकिन इसका एक क्वांटीकृत मात्रा है, एक न्यूनतम मात्रा है, और वो है ई, जबकि द्रव्यमान का कोई न्यूनतम मात्रा फिक्स नहीं है। ये तो रहा आवेश और द्रव्यमान में अंतर। अब कुछ कर्ण, जैसे कुछ न्यूमेरिकल होते हैं इसमें, जैसे किसी पदार्थ प्लस 5 माइक्रोकुलम आवेश है, तो पूछा जाता है कि बताइए इसके कितने सामान्य अवस्था से कितने इलेक्ट्रॉन अधिक हैं अथवा कम। तो चूंकि पॉजिटिव चार्ज है तो ये तो पक्का है कि इलेक्ट्रॉन की कमी है, लेकिन कितने इलेक्ट्रॉन की कमी है, q इक्वल टू एनी फार्मूला है। अब n इक्वल टू क्या होता है, q अपॉन e, q का वैल्यू 5 माइक्रोकुलम और e का 1.6 × 10⁻¹⁹ कूलम। अब आप इससे आप आसानी से निकाल सकते हैं कि कितने, इस तरह से Q एंड E में से आप Q और E तो जान, Q देख करके N पूछे चाहे N देख करके, अब तय देगा किसी चालक को 10 इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है तो बताओ उसके ऊपर कैसा आवेश आएगा, क्या करेंगे 10 इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है तो उसके ऊपर कैसा आवेश आएगा, -10 ही, E का वैल्यू पुट कर दीजिए। इस तरह से इसके न्यूमेरिकल होते हैं। अब आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलम, एमकेएस पद्धति में कूलम होता है, और इसको एम्पियर इंटू सेकेंड भी कहते हैं, एम्पियर ए इंटू क्यू इक्वल टू आई टी होता है, तो ए इंटू टी, इसको आप कह सकते हैं सूत्र ए इंटू टी कूलम का होता है और कूलम भी बोलते हैं। कूलम का सीजस प्रणाली में मात्रक क्या होता है, ईएसयू, 1 ESU इज इक्वल टू होता है 3 × 10⁹ कूलम, 1 × 3 × 10⁹ कूलम। यानी कि आपको याद करने के लिए, जैसे स्पीड कितना होता है 3 × 10⁸, तो उससे एक ज्यादा पावर 3 × 10⁹ कूलम। ये सीजीएस प्रणाली में, और एमकेएस प्रणाली में कूलम, ये तो इसका मात्रक हुआ। एक और मात्रक होता है ईएमयू, तो 1 ईएमयू इक्वल टू होता है 10 कूलम। तो ये आपका एमकेएस सिस्टम हो गया, ईएसयू और ईएमयू, तो कूलम के जैसे आवेश के मात्रक हो गए। दो आवेश कणों के बीच लगने वाला बल जो कूलम के नियमानुसार उसको हम लोग निकालते हैं, लगाते हैं, याद करते हैं, इसको अगले वीडियो में उसको हम लोग सीखेंगे। तब तक के लिए आप इसको पढ़िए।